गुड मॉर्निंग। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चंस कर रहे थे और यूनिट सेकंड और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 है, समाकलन सी मोड जेड का स्क्वायर और डी जेड का मान वर्ग वर्ग जिसके शीर्ष 0 0 1 0 1 1 1 1 तथा 0 1 है 0 1 है के अनुदिश ज्ञात कीजिए। अनुदिश ज्ञात कीजिए। समाकलन सी मोड जेड का स्क्वायर और डी जेड, इसका मान ज्ञात करना है किसके सापेक्ष। एक वर्ग है जिसके चारों जो शीर्ष है वो क्या है, 0 0 1 0 1 1 और 0 1 है। के अनुदिश ज्ञात कीजिए। इस वर्ग के अनुदिश ज्ञात करना है। तो यदि ये कार्तीय तल है तो यहाँ पॉइंट कोई होगा 0 0 और यहाँ से कोई बिंदु होगा यहाँ 1 0, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स का निर्देशांक आएगा और एक्स एक्स लाइन पे वाई 0, और यहाँ से कोई बिंदु 1 और 1, यहाँ एक्स भी यहाँ वाई भी 1 और एक्स भी 1, तो इसलिए 1 1। और इस पॉइंट पे 0 और 1, क्योंकि एक्स का मान तो इस वाई एक्स पे 0, ये तो क्या है एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स लाइन और ये वाई एक्स लाइन। तो 0 0 इस बिंदु पे और 1 0 इस बिंदु पे और 1 1 यहाँ और 0 1 यहाँ। तो ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। तो वर्ग बनेगा इस प्रकार, ये क्या है, एक वर्ग है। और इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु को नाम बी, इसको सी और इसको डी। तो जो वर्ग है ए बी सी डी, उसके सापेक्ष इस समाकलन सी मोड जेड का स्क्वायर डी जेड का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से अब जो ये एक्स और वाई में है, इसके पॉइंट क्या है एक्स और वाई में। तो जेड को क्या कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे जेड की जगह, क्योंकि जेड की जगह क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये एक्स प्लस आयोटा वाई क्यों लिख रहे हैं, यहाँ जेड का मान इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए तथा बी सी और डी के मान क्या है, एक्स और वाई में है। एक्स और वाई में, इसलिए जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि जेड क्या होती है एक सम्मिश्र संख्या। और हमें क्या निकालना है, मोड जेड। तो मोड जेड कैसे निकालते हैं, मोड जेड का मतलब मापांक, और मापांक के लिए रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मोड जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, क्योंकि मोड का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो क्या आ जाता है मोड जेड आ जाता है। तो ये मान रखते हैं इस समाकलन में मान रखेंगे। तो इसको मान लेते हैं पूरे को आई, समाकलन को इसको मान लिया आई। तो यहाँ से समाकलन मोड जेड, तो मोड जेड की जगह क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और मोड जेड का क्या है स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। और डी जेड, यहाँ से डी जेड और निकालना पड़ेगा, तो डी जेड यहाँ से डी जेड निकालेंगे तो डी एक्स और प्लस आयोटा डी वाई, प्लस आयोटा डी वाई, क्योंकि जेड का डी जेड, एक्स का डी एक्स और वाई का डी वाई। तो यहाँ से फिर डी जेड की जगह डी जेड का मान डी एक्स और प्लस आयोटा
डी वाई। तो यहाँ अंडर रूट और इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ से समाकलन किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, एक वर्ग के शीर्ष दे रखे हैं और वो वर्ग क्या मान लिया हमने, ए बी सी और डी के सापेक्ष। तो समाकलन ए बी सी और डी के सापेक्ष, तो समाकलन जो वर्ग है उसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे। और जेड की जगह क्या रख दिया, यहाँ से जेड की जगह एक्स प्लस आयाटा वाई, तो मोड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान यहाँ रख दिया और डी जेड का मान यहाँ रख दिया। और किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, एक वर्ग के सापेक्ष। तो वर्ग क्या है, ए बी सी डी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये कर लेते हैं कि एक बार तो जाते हैं बिंदु रेखा ए बी तक, ए से बी तक चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा समाकलन हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते कि वर्ग ए बी सी डी का ज्ञात कर लें। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि रेखा मान लेते हैं, एक ए बी रेखा के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे प्लस बी सी कर देंगे। ए बी पहले ए से बी पर जाते हैं, वो रेखा के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कर लेते हैं, फिर बी से सी तक जाएंगे, और फिर प्लस सी से डी पे, और फिर डी से ए पे। तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी हो जाएगा। ये कि पहले ए बी के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं, फिर प्लस करके बी सी के सापेक्ष, और प्लस सी डी करके, सी डी करके प्लस, और फिर डी ए करके प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ए बी सी डी पूरा ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ दिशा का ध्यान रखना है कि यदि ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो फिर बी से सी की तरफ जाएंगे, सी से बी की तरफ नहीं आएंगे। तो इसकी रेखा जो इसके सापेक्ष जाएंगे वो इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आएंगे। ये नहीं करेंगे कि ए बी और प्लस सी बी, ये नहीं करेंगे। और अगर ये करना है उल्टा जा रहे हो, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज होते ही क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो पहले ए से बी तक जाते हैं, फिर बी से सी पर जाते हैं, फिर सी से डी पर, और फिर डी से ए पर, और फिर चारों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आई इक्वल टू, पहले समाकलन ए से बी तक करते हैं, किसका, इसका। तो यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और ये डी एक्स और प्लस आयोटा डी वाई। तो ये तो ए बी के सापेक्ष, ए से बी तक गए इस रेखा पे, फिर प्लस बी से सी पर, तो प्लस समाकलन बी सी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस आयोटा डी वाई, फिर बी सी, फिर इसके बाद सी डी को ऐड कर देंगे इसमें, तो फिर प्लस समाकलन सी डी और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस डी वाई, फिर सी डी के बाद डी सी डी ए को ऐड कर देंगे, तो फिर प्लस समाकलन डी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कोष्टक डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना था ए बी सी डी के सापेक्ष, तो हमने ए बी सी डी को तोड़ लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी और प्लस डी ए, और समाकलन इसका ज्ञात करना ही था, तो इन रेखाओं के अनुदिश ज्ञात कर लेंगे। अब क्या कर लेते हैं, जो ए बी वाला है, ए बी वाले को नाम दे देते हैं आई वन, समाकलन आई वन नाम दे देते हैं इस पूरे समाकलन को आई वन, तो आई वन अलग से ज्ञात कर लेंगे। फिर इसको नाम दे देते हैं आई टू, बी सी वाले को नाम दे देते हैं आई टू, और सी डी वाले को नाम दे देते हैं आई थ्री, आई थ्री, और डी ए वाले को नाम दे देते हैं आई फोर। तो पहले आई वन ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू है, इसको मान लिया आई वन, इसको मान लिया आई वन, और ये आई टू, और ऐसे आई थ्री और आई फोर, क्योंकि ये क्या है, ये आई थ्री और ये आई फोर, हमने मान लिया कि अब अलग अलग मान ज्ञात कर लेते हैं। अब आई वन, इसको आई वन मान लिया, तो I1 का अलग से मान ज्ञात कर लेंगे और फिर यहाँ रख देंगे, फिर I2 का ज्ञात कर लेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर I3 इसको माना है तो I3 का मान ज्ञात करके ऐड कर देंगे, और फिर I4 का मान ज्ञात करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये डायग्राम में हटा देता हूँ कि I1 क्या है, I2 क्या है, ये तो समझ में आ गया।
अब हमें आई वन निकालना है, तो पहले आई वन इक्वल टू क्या है, आई वन इक्वल टू डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं। वो वर्ग क्या था, वर्ग था इस प्रकार, इस ये ए बी सी डी, ए के निर्देशांक 0 और 0, बी के निर्देशांक 1 और 0, और सी के निर्देशांक 1 1, और डी के निर्देशांक 0 और 1। तो ये तो था आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री और ये आई फोर, आई वन आई टू आई थ्री और आई फोर। तो आई वन हमें अब आई वन ज्ञात करना है, आई वन ज्ञात करना है। तो आई वन क्या है, आई वन है ए बी, ए बी के सापेक्ष, और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस आयोटा डी वाई, यही तो है आई वन। इसको हमने आई वन माना, तो इसका मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी के सापेक्ष, ए बी रेखा ये है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू मैं देखूँ तो एक्स की वैल्यू पहले तो है 0, और 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 0 से 1 तक, और यहाँ वाई की वैल्यू है पहले 0 और फिर भी 0, तो इसलिए वाई की वैल्यू क्या है 0। और यदि डी वाई निकालना चाहेंगे तो डी वाई की वैल्यू क्या आएगी फिर 0, क्योंकि ये 0, तो डी वाई भी क्या आएगा 0। अब यहाँ से ये लिमिट का मान यहाँ रख देते हैं, क्योंकि ये x और y में है, तो x और y में तो लिमिट भी x और y की आएगी। तो यहाँ क्योंकि ए बी के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो a से b तक जा रहे हैं, तो 0 से 1 तक यहाँ x की लिमिट आएगी। पहले ये मान रख लेते हैं इसमें, और फिर लिमिट लगाएंगे कि मान किस में उसकी लिमिट आएगी। तो यहाँ हमने देखा कि एक्स स्क्वायर, एक्स का मान, तो एक्स का मान तो निश्चित नहीं है, 0 से 1 तक है, तो एक्स की जगह, तो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की जगह, तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर की जगह, तो वाई का मान क्या है, वाई का मान तो 0 है, निश्चित है 0, तो यहाँ से वाई की जगह 0 रख देंगे, तो 0 स्क्वायर का 0 स्क्वायर, और फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स। तो ये क्या है, डी एक्स, डी एक्स का मान हमें ज्ञात नहीं है, यहाँ डी एक्स का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते, जब एक्स का मान ही नहीं है तो डी एक्स का मान भी नहीं ज्ञात कर सकते, तो डी एक्स की जगह डी एक्स, फिर प्लस आयोटा डी वाई, तो डी वाई का मान 0, तो आयोटा से 0 गुणा होके 0, तो यहाँ से मान क्या बचा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और समाकलन। अब यहाँ से मान किस में है, एक्स में, तो लिमिट भी किसकी आएगी, एक्स की, तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक। फिर यहाँ से समाकलन करते हैं, एक्स वन इक्वल टू आई वन इक्वल टू, समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। तो आई वन इक्वल टू, यहाँ से पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 1, तो एक्स की जगह 1, तो ये क्या हुआ 1/3, क्योंकि 1 की क्यूब 1 और 1/3, और यहाँ से फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो 0/3 0, तो यहाँ से मान क्या आएगा 1/3। तो आई वन का मान क्या है, आई वन का मान हमारे पास आ गया 1/3। तो ए बी तक जाएंगे तो समाकलन का मान क्या आएगा, 1/3 इस समाकलन के सापेक्ष। अब आई वन ज्ञात कर लिया, इसी प्रकार आई टू ज्ञात करेंगे, तो इसी प्रकार आई टू ज्ञात करेंगे, आई टू आई टू वाला कौन सा है, ए से बी तक गए, फिर बी से सी पर जाएंगे, वो क्या है आई टू। तो यहां से आई टू इक्वल टू, आई टू इक्वल टू समाकलन बी सी और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब यहाँ से इसमें मान देखेंगे बी सी में, क्योंकि ये एक्स और वाई में चल रहा है, तो बी सी तक एक्स और वाई की लिमिट देखते हैं। तो बी में देखेंगे एक्स का मान 1, सी में देखेंगे एक्स का मान 1, मतलब एक्स का मान इस बार निश्चित है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान तो है 1, क्योंकि यहाँ बी में भी एक्स का मान 1 और सी में भी एक्स का मान 1, तो यहाँ से
एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ से डी एक्स निकाल सकते हैं। तो डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स यहाँ वन कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स जीरो आएगा, यहाँ डी एक्स क्या आएगा जीरो। और यहाँ से फिर y का मान देखेंगे, y का मान b से c तक जाना है, b से c तक जाना है रेखा के सापेक्ष, तो यहाँ y का मान 0 से 1 तक, क्योंकि उस साइड वाला मान क्या होता है y का मान, तो y का मान 0 से 1 तक, तो y का मान जो है, y का मान है 0 से 1 तक, y का मान है 0 से 1 तक, x का मान निश्चित है 1, डी एक्स का मान यहाँ से याद करेंगे तो 0। अब ये मान यहाँ रखेंगे तो आई टू इक्वल टू, लिमिट का मान क्या है, लिमिट का मान बाद में रखते हैं एक बार, यहाँ से पहले ये मान रख लेते हैं। तो x स्क्वायर, तो x का मान क्या है, x का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान तो 1 प्लस। और वाई स्क्वायर, वाई का मान यहाँ से निश्चित नहीं है वो, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ही, क्योंकि वाई का मान निश्चित नहीं है तो y का मान नहीं रख सकते। फिर यहाँ से dx का मान 0, फिर प्लस आयोटा dy, dy का मान भी निश्चित नहीं है तो आयोटा dy, आयोटा dy। फिर यहाँ से ये मान किस में है, पूरा y में, तो लिमिट भी y की, तो y की लिमिट क्या है 0 से 1 तक, तो यहाँ 0 से 1 तक। फिर ये समाकलन करते हैं तो i2 इक्वल टू, समाकलन करते हैं तो आयोटा तो आ जाएगा बार, कॉन्स्टेंट है आयोटा, कॉन्स्टेंट है, या फिर आयोटा के सापेक्ष समाकलन नहीं है, मतलब आयोटा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष समाकलन, तो 1 का मतलब डी वाई इससे गुणा हो जाएगा, तो डी वाई का वाई और प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3। और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 1 तक, लिमिट क्या है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, तो यहाँ से एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो I2 इक्वल टू आयोटा अपर लिमिट 1, y की जगह 1 और y की जगह 1, तो 1 का क्यूब 1, तो ये 1 प्लस 1 बाई 3। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 रखेंगे 0 और ये भी 0, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 बाई 3 और ये आयोटा, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 प्लस 1 4, तो ये आया 4 बाई 3, तो ये आया 4 बाई 3 और ये आयोटा। यहाँ से हमने मान ज्ञात किया BC, तो BC का x इक्वल टू 1 और dx 1 है, तो x 1 है तो dx 0, y का मान 0 से लेके 1 तक, 0 से 1, 1 प्लस y स्क्वायर और आयोटा dy, तो आयोटा बार y, y आया समाकलन और प्लस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन 3 और 0 से 1। फिर यहाँ से अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का मान y का मान 1 और इस y की जगह 1 रखेंगे तो 1 बाई 3, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 और प्लस 1 4 बाई 3 आयोटा। तो यहाँ आई टू का मान क्या आया, आई टू का मान आया 4 बाई 3 आयोटा, आई वन का मान आया था 1 बाई 3, तो आई वन का मान तो आया था 1 बाई 3। यहाँ से साइड में लिख लेते हैं कि I1 का मान आया है 1 बाई 3, I2 का मान 4 बाई 3 और ये आयोटा, I2 का मान। अब क्या करेंगे, I3 क्या था, A से B तक चले गए, फिर B से C तक चले गए, अब जाएंगे C से D तक, तो I3 होगा समाकलन C से D तक, इसका मान ज्ञात करना था समाकलन इसका, और ये क्या था ये, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस आयोटा डी वाई सी डी के सापेक्ष। तो सी डी के सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ एक्स का मान 1 और वाई का मान 0, तो 1 से 0 एक्स का मान, तो एक्स का मान 1 से 0 तक, क्योंकि यहाँ C से D तक जा रहे हैं, C से D तक, तो C पे X का मान 1 और D पे X का मान 0, तो 1 से 0। फिर Y का मान, तो Y का मान इसमें 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ Y का मान 1, तो यहाँ से dy निकाल सकते हैं, तो dy 0, क्योंकि ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो dy 0।
अभी ये मान इसमें रखते हैं तो आई थ्री, यहाँ से लिमिट बाद में रखते हैं, पहले ये मान रख लेते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मान एक्स का मान, तो एक्स का मान निश्चित नहीं है तो एक्स का मान नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है वन, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया वन, और फिर डी एक्स, डी एक्स का मान निश्चित नहीं है, डी एक्स का मान भी नहीं है तो डी एक्स की जगह डी एक्स, फिर प्लस आयोटा डी वाई, डी वाई का मान जीरो तो ये कंप्लीट जीरो, तो ये डी एक्स का डी एक्स ही रह जाएगा। फिर यहाँ से लिमिट अब किसकी आएगी, ये पूरा है एक्स में, तो लिमिट आएगी एक्स की, तो एक्स की लिमिट वन से जीरो तक, तो वन से जीरो तक, तो आई थ्री इक्वल टू, यहाँ से एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, फिर ये डी एक्स का, तो डी एक्स का होता है एक्स, और लिमिट क्या है इस बार, इस बार है वन से जीरो, तो लोअर लिमिट तो है वन और अपर लिमिट है जीरो, तो इस बार लोअर लिमिट तो वन और अपर लिमिट है जीरो, तो यहाँ से पहले अपर लिमिट जीरो का मान रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ से या फिर यहाँ से लिमिट भी चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन हम तो सीधा ही मान ज्ञात करते हैं यहाँ से, तो आई थ्री इक्वल टू अपर लिमिट का मान रखेंगे जीरो, तो जीरो पॉइंट थ्री जीरो, और प्लस एक्स का मान जीरो, तो यहाँ से अपर लिमिट का मान जीरो, फिर लोअर लिमिट का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये इसका मान तो आया जीरो, अपर लिमिट का मान तो जीरो, और फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है वन, तो यहाँ वन बाई थ्री, और फिर प्लस एक्स की जगह भी वन, तो प्लस वन, यहाँ से क्या है अपर लिमिट का मान है ऊपर जो होता है वो क्या होती है अपर लिमिट, उच्च सीमा, तो उच्च सीमा का मान रखेंगे, तो यहाँ जीरो, जीरो बाई थ्री जीरो, प्लस एक्स की जगह यहाँ जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो, अपर लिमिट का मान तो क्या आया जीरो, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है वन, तो यहाँ वन, वन बाई थ्री और प्लस वन, तो वन बाई थ्री और प्लस वन, और ये माइनस, तो यहाँ से आई थ्री इक्वल टू आया माइनस, यहाँ से ये करेंगे तो थ्री और प्लस फोर, तो फोर बाई थ्री, तो माइनस फोर बाई थ्री, तो आई थ्री का मान आया माइनस फोर बाई थ्री, तो आई थ्री का मान आ गया, आई वन का मान आ गया, आई टू का मान, आई थ्री का मान, तो अब आई फोर का मान वर्ग के सापेक्ष जा रहे हैं, तो पहले चार भागों में तोड़ लिया वर्ग को सरल रेखा के अनुदिश, चार भागों में तोड़ लिया और तीन चारों को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, तो पहले आई वन ज्ञात कर लिया, आई टू ज्ञात कर लिया, आई थ्री ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे आई फोर, तो आई फोर क्या था, पहले ए से बी तक गए आई वन, बी से सी तक गए आई टू, सी से डी तक गए आई थ्री, तो डी से ए तक जाएंगे आई फोर, तो समाकलन डी ए और वो क्या था एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस आयोटा डी वाई। अब यहाँ से लिमिट का मान यदि हम यहाँ देखेंगे डी ए में डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो एक्स का मान जीरो और वाई का मान एक्स का मान यहाँ भी जीरो, तो एक्स का मान तो जीरो क्योंकि यहाँ भी एक्स का मान जीरो डी पे भी और ए पे भी एक्स का मान जीरो, तो एक्स का मान जीरो, तो डी एक्स होता क्या हो गया जीरो, डी एक्स क्या हो गया होता है जीरो। अभी यहाँ डी पे देखेंगे वाई का मान, तो डी पे वाई का मान वन और ए पे वाई का मान जीरो, तो यहाँ से वाई का मान आया वन से जीरो तक, डी से ए तक जा रहे हैं तो वाई का मान यहाँ वन है और यहाँ जीरो है, तो वन से जीरो क्योंकि डी से ए की तरफ आ रहे हैं इस दिशा में आ रहे हैं, तो वन से जीरो। यदि ए डी दिशा में जाते ए डी दिशा में जाते तो पहले वाई का मान आता जीरो और फिर वाई का मान आता वन। तो यहाँ से फिर इसका मान रखेंगे इस समाकलन में आई फोर इक्वल टू डी ए, तो यहाँ से फिर समाकलन इसकी लिमिट बाद में रखते हैं, पहले ये मान रख लेते हैं यहाँ,
तो x का मान 0, तो x का मान 0 तो एक्स स्क्वायर का मान भी 0, तो ये तो कंप्लीट 0। फिर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान निश्चित नहीं है तो वाई स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर। फिर dx का मान, तो dx का मान 0, तो ये 0 प्लस, तो ये 0। फिर आयोटा dy, dy का मान निश्चित नहीं है तो आयोटा dy। अब ये पूरा पद y में, तो लिमिट भी y की, लिमिट y की आएगी, तो लिमिट क्या है 1 से 0 तक, तो आई 4 इक्वल टू 1 से 0 तक, और y स्क्वायर 1 से 0 तक। और यहाँ क्या करेंगे, समाकलन y के सापेक्ष, इसका समाकलन, तो y के सापेक्ष यदि इसका समाकलन करेंगे तो y क्यूब अपॉन 3, और ये आयोटा बाहर, आयोटा तो बाहर, और वाई स्क्वायर का समाकलन y के सापेक्ष, तो वाई क्यूब अपॉन 3, और अपर लिमिट तो 1, अपर लिमिट क्या है 0, और लोअर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 0। तो यहाँ से मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से मान ज्ञात करेंगे, तो ये आई 3 और इस बार आई 4। तो यहाँ से पहले लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मान रखेंगे आई 4, आई 4 इक्वल टू अपर लिमिट का मान रखते हैं 0, तो ये आयोटा, और अपर लिमिट का मान 0, तो 0 अपॉन 3, और फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 1, तो यहाँ से y की जगह 1, तो 1/3, तो -1/3, तो ये कितना आया आई 4, आई 4, आई 4 कितना आया, आई 4 आएगा आयोटा और -1/3, तो आई 4 आया -1/3 आयोटा, तो आई 4 -1/3 आयोटा। तो आई 3 का मान तो आया था -4/3, तो यहाँ से आई 3 का मान आया -4/3, और आई 4 का इस बार मान आया -1/3 आयोटा। तो आई 3 का मान, आई 4 का मान, आई 3 का मान और आई 4 का मान, यहां से आई क्या था, आई माना था हमने इसको, इसको आई माना था हमने, तो ये है आई, समाकलन सी जेड मोड जेड का स्क्वायर डी जेड। और आई इक्वल टू क्या था, हमने तोड़ लिया था, अलग अलग डिवाइड कर लिया था भागों में, और सी क्या था, सी सी था ए बी सी और डी, आई क्या था, ये आई के इक्वल, तो आई किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो ये इक्वल आई 1 + i 2 + i 3 और + i 4, इन चारों को ऐड कर देंगे, तो समाकलन ए बी सी डी मोड जेड स्क्वायर डी जेड। ये जो सी होता है वो होता है कंटूर, और कंटूर क्या है, इस बार एक वर्ग है, तो वर्ग क्या है ए बी सी डी, तो इसका मान क्या आया आई 1 का मान, आई 1 का मान है 1/3, आई 1 का मान क्या है 1/3, फिर प्लस आई 2, प्लस आई 2 तो 4/3 आयोटा, 4/3 आयोटा। और आई 3 का मान, आई 3 का मान क्या है -4/3, तो -4/3। फिर आई 4 का मान -1/3 आयोटा, तो आयोटा, आयोटा वाले को ऐड कर लेंगे और बिना आयोटा वाले को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से 1/3 और ये -4/3, इसको कर लिया एक साइड और इनको एक साइड, तो +4/3 आयोटा और -1/3 आयोटा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये -1, क्योंकि 1/3 और -4/3, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड जाएगा 1 बार, तो 1 से 1 1, और -3 का इसमें 3 का डिवाइड जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 1 से गुणा होके 4, तो यहाँ से -3/3, और ये कितना हो गया, ये हो गया -1, तो ये हो गया -1। फिर प्लस, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 4/3 और -1/3, तो एलसीएम, एलसीएम 3, 3 का डिवाइड जाएगा इसमें 4, और ये -1, तो ये 3/3, तो ये 1, तो आयोटा के गुणा में 1, उसका कोई मतलब नहीं है। और समाकलन ए बी सी डी का मान स्क्वायर डी जेड का मान -1 और प्लस
आयोटा माइनस वन और प्लस आयोटा, ये क्या है इसका मान है। फिर से देखेंगे एक बार, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था ये समाकलन का मान किसके सापेक्ष, एक वर्ग के सापेक्ष, एक वर्ग के सापेक्ष ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, वर्ग को चार भागों में डिवाइड कर लिया, वर्ग में चार रेखाएं होती है, चार भुजाएं होती है, तो उन चार भुजाओं को अलग अलग तोड़ लिया, इसको I1 नाम दे दिया, इसको I2, इसको I3 और इसको I4। I1 का अलग से मान निकाल लिया, प्लस I2 का अलग से मान निकाल लिया, और प्लस I3 का और प्लस I4 का मान, और चारों को ऐड कर दिया। और चारों को ऐड करने से क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है, ए बी सी डी ए, तो यहाँ से एक वर्ग बन गया। तो एक वर्ग बन गया, उसको सारों को ऐड कर दिया, तो मान क्या आ गया, माइनस वन और प्लस आयोटा, और इसी का मान हमें ज्ञात करना था। और बाकी करेंगे कल। टाटा, बाय बाय, सी यू।